तो हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज है 11, मतलब देव उठनी 11। तो आज खाटू श्याम बाबा की चल रहे हैं अपन, और भाई सभी फ्रेंड वगैरह खड़े हुए हैं। वही इतनी ठंड लग रही है, अच्छे वही इतनी जल्दी नाना और इतनी ठंड में हालत खराब कर देने वाला सीन है। और ये अपने सभी भाई लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो करते हैं अपने जुलूस को स्टार्ट। तो चले भैया कि माँ की चूत भोसड़ी का ही ब्लॉक का चक्कर में हो जाओ, दोबारा बजाओ। हमारी गाड़ी चल रही है भाई, और भाई हालत खराब हो रही है। सत्तू भाई, सोनू भाई, राहुल भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई आगे चल रहे हैं। हमारी गाड़ी है बीजेपी का झंडा है, और हम दूध रहे और चल रहे हैं। अब पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल का नाम होना नहीं तो जय। गाड़ी में डल रहा है पेट्रोल, और भाई हाथ ही है ना इतना, मतलब एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, हाथ की हालत खराब होगी और ये लगी। वहाँ पे खड़े हुए सारे, और सामने निकल रहा है सूरज और कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी पेट्रोल डलवाते हैं, फिर चलते हैं खाटू श्याम जी के। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए रुक गए, बट वही ठंड के ठंड से हालत खराब हो रही है मेरी, बहुत भयंकर वाली। चुप रहे भाई, चलते हैं थोड़ी देर में। हाँ सत्यू, बहुत सत्यू भाई आ जाए खाटू श्याम जी के भाई पिंटू के साथ। अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का नजारा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ पे इस तड़ी पे रुके हम चाय कॉफी पीने। तो अब जल्दी से यहाँ से रवाना होते हैं और जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि राहुल भाई खोलनी है दुकान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। यार अपन दे ही पहुंच चुके हैं, और पीछे खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो अब मतलब मुंह धो के फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो चल रहे जल्दी तो खाटू श्याम जी के चल रहे हैं अपन, प्रसाद वगैरह ले लिया, और अपने सभी साथी लोग। और भाई ठंड लग रही है बहुत, अगर बोलना नहीं आ रहा। सामने खाटू श्याम जी है, तो कराते हैं आपको बहुत जल्द दर्शन। तो अंदर आ चुके हैं खाटू श्याम, आ गए सामने, दर्शन कर लीजिए और अंदर से कराता हूँ। यो खाटू श्याम बाबा, जब हमारा शंभू महादेव तो होने होने हर जगह, तो कराते हैं आपको अच्छे से दर्शन। यो हमारा खाटू, और खाटू श्याम बाबा का मंदिर है नीचे भी, इसलिए खाटू श्याम बाबा की। और यहाँ पे फर्स्ट बार रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार आया हूँ मैं। और सुकून जिसे कहते हैं वो यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सुकून और शांति, जैसे दुनिया से परे हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं हो, ऐसी वाली शांति यहाँ पे। और अपन तो खाटू श्याम बाबा के, और यहाँ पे भी खाटू श्याम बाबा के नीचे ऊपर मेन मंदिर है, नीचे भी बना रखी है, पहले शायद ये वाले ही थे, फिर ऊपर नया वाला बनाया अभी, और मंदिर का काम चल भी रहा है अभी अच्छे से। तो अब यहाँ से हमारी कुल देवी है माता रानी, वहाँ पे चलेंगे। यहाँ से जस्ट 100-200 मीटर की दूरी पर है हमारी कुल देवी, सोलंकियों की कुल देवी है, तो वहाँ पे भी ढोक देंगे, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे आपको। और कुल देवी के आए हुए भी मुझे कम से भी कम 3-4 साल के समथिंग हो गए, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, फिर भी इतना टाइम लग गया, क्योंकि बुलावा आता है तभी जाना आता है, ऐसा तो आता नहीं है। और खाटू श्याम बाबा के मैं कम से कम 2-2.5 साल से बोल रहा हूँ सभी फ्रेंडों से, चलते हैं, लेकिन हुआ नहीं। और कल एकदम प्लान बना, और आज सुबह जल्दी 5 बजे उठ के नहा धो के कम्प्लीट हो गए, आज दर्शन हो गए। तो बाबा का जब भी बुलावा होता है तभी आना होता है। तो अभी यहाँ तो दर्शन कर लिया, अब हमारे कुलदेवी के भी दर्शन कराते हैं। और एक खाटू श्याम बाबा के जस्ट बाहर निकलते बालाजी का मंदिर आता है, तो खाटू श्याम बाबा का जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ बालाजी का स्थान होता है, तो बालाजी के दर्शन कर लीजिए और हम भी दर्शन करके चलते हैं। ये हमारी मातेश्वरी का मंदिर,
तो अब जूते वगैरह खोल के फिर से हाथ धोने पड़ेंगे ठंड के मारे। तो अब अंदर दर्शन कराते हैं डायरेक्ट माता रानी के, चलते हैं अंदर। तो माता जी के मैं भी कितने सालों बाद आया हूँ, तो आपके पहले आपको दर्शन कराता हूँ फिर मैं दर्शन करता हूँ। तो यहाँ भी दो दो माता रानी है बता दें। तो एक तो ये है माता रानी, और वो जो वो बैठा है ना ब्लैक कलर के काले से, वो है हमारी कुल देवी मातेश्वरी। तो दर्शन कर ले, आपको तो करा दिया, अब हम भी अच्छे से करते हैं। तो माता रानी का दर्शन करा लिया, और इनके पीछे महादेव जी, इनके भी दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर छोटा सा मंदिर है महादेव का, और फिर भैरू जी के दर्शन कराए, फिर चलते हैं हम भी। यहाँ पे कचौरी समोसे खान रुके, भूख लगने लगी, सुबह जल्दी उठ गए थे। तो सत्तू भाई लगवाणी जाएगा, लगवाणी जी सत्तू भाई अलग ही चल रहा है इनका, लगाओ लगाओ लगने दो, हम भी खाएंगे और आगे फिर मिलते हैं रस्ते में। और सत्तू भाई अलग ही कौन कौन है, अरे भाई देखना दे, इसका रिएक्शन देखो भाई गजब। तो हाँ जी गाइस, आ चुके हैं हम घर पे, और अपना आउटफिट हो चुका है चेंज। जो मेन जैकेट था उसे तो रख दिया, क्योंकि वो बिल्कुल ज़्यादा ठंड पड़ती है, तब पहनता हूँ मैं उसे। और अब जल्दी से शॉप पे चलते हैं, और फिर आगे की चर्चा शॉप पे। तो हाँ जी गाइस, आ चुके हैं शॉप पे, और शॉप पे शाम पड़ रही है। तो कल है वोटिंग, मतलब ये व्लॉग कल आएगा, तो कल है वोटिंग, मतलब ये वीडियो आज देख रहे होंगे, तो आज वोटिंग है। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मैं वोट दें, और अपना मतदान ऐसे इंसान को दें जो आपका भविष्य सुधार सके। और मेरे लिए तो एक ही है, जो राम को लाए हम तो उनको ही लिख के आएंगे, हम तो भाजपा में देंगे, बट आपका मतदान है, आपके हिसाब से दें। और अपने ब्लॉग को आज यही करते हैं एंड, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग बनाया था, बाहर गया था मैं खाटू श्याम जी के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ब्लॉग तो ऐसे बहुत कम आएंगे अपने, क्योंकि बाहर जाना नहीं होता, और प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा चल रही है मेरी लाइफ, मतलब कितने एजेंट हो बड़ी है, तो क्या कर सकते हैं, अभी तो है जो है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।